ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिज़ाइन. सबसे पहले लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, वी विल गो टू क्रिएट अ डिज़ाइन. यहाँ से मैं अपनी पसंद का जो डिज़ाइन मुझे लेना है, जो साइज मैं प्रेफर कर रही हूँ, आई विल टेक अ डिज़ाइन. लेट्स गो फॉर इंस्टाग्राम स्टोरी. अब इंस्टाग्राम स्टोरी जो होती है वो ऑब्वियसली उसका जो साइज है वो पोस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इट्स फाइन. If I want to resize my design, my artboard, simple, I can go to Instagram post and I'll continue. To mera jo design hai, resize the design kar diya. To simply wo mera resize karke change ho gaya aur wo mera Instagram post pe convert ho gaya. Okay. So, yahan pe hum log jo hai, pehle apna koi element lete hain. Theek hai? कोटेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं ऑब्वियसली. उसमें फिर ये कुछ आप पिक्चर के ऊपर कुछ पिक्चर की ओपेसिटी कम करके उस तरह से बना उसको एडिट कर लेते हैं. कुछ जो है वो सिंपल आप अपने कोटेशन को आपकी इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द डिज़ाइनर उसको किस तरह का कोटेशन चाहिए. अब हमने जो है ये टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है. मुझे फॉन्ट जो है वो ठीक लग रहा है, थोड़ी सी इसके ऊपर हम एडिटिंग करके देख. ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वो कोटेशन लिख लिया है. एंड नाउ यहाँ पे मैं मे बी सर्च फॉर क्वर्ड्स एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है एलिमेंट्स में. ओके, मैं ये वाले जो अपोस्ट्रोफी कॉमास हैं मैं वही चाह रही थी टू मेक आवर कोटेशन लुक गुड. तो इसको ले लेते हैं और ये वाला जो ओके जस्ट टू हाईलाइट और टेक्स्ट कि हमने जो लिखा है वो प्रोमिनेंट हो. एंड ओके, साइज इसका छोटा कर रहे हैं क्योंकि obviously apostrophe commas hai for them to look good. Hum iska size increase bhi kar sakte hain, full bhi kar sakte hain, but I want my text to be prominent. Okay, is tarah se thoda sa gap chhod dete hain, thoda sa. Aap aapke jo keyboard pe jo arrows hote hain left right ke, aap usko use karte hue bhi उन एरोज को प्रेस करके भी इनको मूव कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके. ओके, नाउ इनका जो ओपेसिटी है, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसको भी थोड़ा सा डल कर देते हैं. थोड़ा सा बहुत जेट ब्लैक है, वी डोंट वांट दैट. थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी, इसकी भी 80% कर दी है और इसकी भी 80% करती है. ओके, नाउ इसको ऊपर तक ले जाते हैं. ओके, अब ये एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है हमने, ठीक है. एक कोटेशन बनाने की कोशिश की है. थोड़ा सा इसको अब हम, मैं आप लोगों को सिर्फ बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि आप अपने सिंपल डिजाइंस में किस तरह से कैनवा यूज करते हुए किस तरह से आप लोग थोड़ी यू नो डिजाइन में जान ला सकते हैं, थोड़ा सा उनको बेहतर कर सकते हैं. नाउ आई वुड चूज शेडोज फ्रॉम हेयर एंड आई वुड यूज द कलर वाइट, ठीक है, टू मेक माय टेक्स्ट लुक मोर ब्राइटर, मोर विजिबल. ठीक हो गया. ओके, अब ये बिल्कुल एक सिंपल थोड़ा सा यू नो फीका फीका सा लग रहा है. मे बी let's add gradient to our background. Okay, whatever you like. Mujhe ye light sa hi pasand aa raha hai, to I would go with that. Now ek aur cheez hum ye kar sakte hain, usko for instance writer ka naam likh sakte hain jisne ye quotation bola hua hai. मेरे पास अभी तो आई डोंट नो कि किसने ये कोटेशन कहा है, बट सिंपली हम किसी और का भी ऐड, कोई भी नाम ऐड कर देते हैं.
यहाँ से देखते हैं कोई हमें जो जिससे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से हम ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं एंड वी विल कीप दिस वन। और इसके स्टार्टिंग में हम इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी भी ज़्यादा कर देंगे सो दैट इट विल लुक बेटर। ओके, साइज इसका भी 24 है तो मैं समथिंग लाइक दिस। ओके, इट्स फाइन, मे बी हेयर सो दैट लगे कि कोटेशन इज सेट बाय हिम और हर। ओके, नाउ वन मोर थिंग विच यू कैन डू इन योर सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट डिजाइन इज दैट एलिमेंट्स में जाके व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि यहाँ पे आई विल सर्च फॉर बॉर्डर्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दीज इन मोस्ट ऑफ आवर डिजाइन्स। बॉर्डर सर्च किए मैंने और मेरे पास काफी इंटरेस्टिंग जो है वो बॉर्डर्स आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सिंपल डिजाइन तो मैं मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा जो बॉर्डर वो भी सिंपल ही हो। ठीक है, मे बी समथिंग लाइक मे बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ये ज्यादा ही किडिश और फैंसी में आ गया है। लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से। ओके, इसका जो है वो ये पूरा नहीं आ सकता जितना मैं चाह रही थी कि मेरे पूरे आर्ट बोर्ड पे आ जाए, बट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड इट्स ऑल्सो फाइन, इतना कोई इशू नहीं है। बट हमारे जो अपॉस्ट्रोफी कॉमाज है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेट्स टेक समथिंग एल्स। ओके, अब इस तरह के जो डिजाइन होते हैं उनको आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई किया हमने इसको बिल्कुल बॉर्डर पे। नाउ मैं एक और लूंगी और इसको मैं फ्लिप करके, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी कर दिए, वर्टिकल फ्लिप भी कर दिए। इससे क्या हुआ है कि उसकी साइड बिल्कुल चेंज हो गई है एंड आई कैन पुट इट हेयर। अब जो है मेरे डिजाइन में क्या इशू आ रहा है कि ये बहुत प्रोमिनेंट बॉर्डर है, डिजाइन आपके हमारे जो टेक्स्ट है उसको दबा रहा है। सो आई एम गोइंग टू डू इज दैट, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मे बी अ लाइटर कलर एंड अ लाइटर ट्रांसपेरेंसी। ताकि हमारा डिजाइन ज्यादा प्रोमिनेंट हो और ये कम, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं जस्ट टू मेक आवर डिजाइन लुक नाइस। हमने इसको यूज किया है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बट इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आप यूज करके अपने डिजाइन में तो अपने डिजाइन को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। ओके, इफ यू वॉन्ट आपकी चॉइस है, तो कॉपी किया मैंने और इसको फ्लिप कर दिया। मैं इसको फोर कॉर्नर्स पे भी डाल सकती हूँ। ठीक हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। इसको इफ आई वॉन्ट कि ये लगे कि जैसे चारों साइड्स पे ये वाला बॉर्डर है, तो उसके लिए फिर हम इसको चारों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, और इसको भी सेंटर में ले आते हैं अपने टेक्स्ट को एंड दिस एज वेल। डिजाइन को और हमारे इसको पहले मैं अपॉस्ट्रोफी कॉमास को ले आऊं। एंड द राइटर्स नेम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एनी एनी कोटेशन फॉर योर पेज। जैसे आपके पेज की कोई टैग लाइन है, जब आप इंस्टाग्राम की अपनी फीड डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप अपनी टैग लाइन को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी टैग लाइन को किसी भी तरीके से या एलिमेंट्स नीड मनी सो हाउ कैन वी सेपरेट आई डोंट
If you're talking about वर्जन, पेड वर्जन में कुछ एलिमेंट जो है वो ओके, लेट्स टेक सम अदर बॉर्डर, और फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि सिर्फ एक बॉर्डर चेंज करने की वजह से हमारा डिजाइन कितना चेंज लगता है. ओके, अब मैंने ये वाला एक ले लिया, ये बिल्कुल एडजस्टेबल है, ये बॉर्डर्स पे भी आ गया हमारा. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसका भी अगर हम चाहें तो कलर चेंज करके देख लेते हैं हम. कलर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ओके फाइन, सम अदर, मे बी सम अदर बॉर्डर. ओके, इफ यू वेरी डिजाइन, तो उसके लिए वी हैव वेरी क्यूट ऑप्शंस हेयर, जो कि जब हम लोग वेरी बर्थडे कार्ड्स डिजाइन करेंगे, आपको बताओ हाउ टू यूज, और इनको इवन फॉर द बिल बर्थडे कार्ड जो वेडिंग कार्ड्स के लिए, उसमें ये है कि आपको हर हर तरह से खुद को जो है एडजस्ट करना, अपने डिजाइन को एडजस्ट करवाना आना चाहिए हर तरह से, सो दैट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप मिनिमल डिजाइन ही बना रहे हैं, या बिल्कुल आप अपने डिजाइन में ओवर कर दिया है, हर चीज बहुत प्रोमिनेंट कर दी है, वो भी अच्छा नहीं लगता. ओके, ये बिल्कुल एक लाइट सी, एक यू नो, एक यहाँ पे अगर हमने कंट्रास्ट करना है, तो अगर मैंने लाइन की है तो ऑब्वियसली जो इस साइड वाली मेरी लाइन होगी, डिजाइन का बॉर्डर होगा, वो पिंक नहीं हो सकता, क्योंकि पिंक के ऊपर पिंक मैं नहीं कर सकती. सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं इसको येलो कर दूंगी. ठीक हो गया, गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम लोगों का जो वो ग्रेडियंट, एंड इसको हम जो है पिकर से, यहाँ से अगर, हाँ अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट का कोई कलर चाहिए तो आई विल क्लिक ऑन द पिकर, और मैं अपना जो है वो कलर आराम से पिक कर लूंगी. तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे डॉक्यूमेंट का कलर कुछ और था और समथिंग लाइक दैट. आराम से आप जो है पिकर यूज करके अपना कलर पिक कर सकते हैं. ओके, सो एनी क्वेश्चंस? सिंपल, अब मैं बैठ दबाऊंगी, आई विल सर्च फॉर मोटिवेशन, ठीक है, और मोटिवेशनल पोस्टर में भी यहां से कोई सा भी कलर. या फिर मे बी कोई भी ऐसा कलर किसी पूरे पे जुट जाए डिजाइन, ठीक है, तो लेट्स सर्च फॉर समथिंग, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ग्रेडियंट रिमूव किया है, तो पूरा वो जो है उसकी वाइब चेंज हो गई है हमारा, जो हमने पोस्टर बनाया था. ठीक हो गया, लेट्स सर्च फॉर क्विट्स, एंड देन मे बी ओके, लेट्स टेक दिस पिक्चर. दिस वन, नाउ आई विल डू दैट सिंपली कि मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस पिक्चर एंड अप्लाई इट हेयर. ओके सिंपल, अब मैं क्या करूँगी, इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल क्योंकि डार्कर रोड का कलर है, तो वो प्रोमिनेंट, उसकी प्रोमिनेंसी खत्म हो गई थी. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर टेक्स्ट इन अ
इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आराम से आप अपने बैकग्राउंड की पिक्चर को चेंज करके, तो पूरे टेक्स्ट की आपने पूरे पोस्ट की वाइब चेंज कर दी है. दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल सिंपल डिजाइन फॉर योर एनी कोटेशन यू वॉन्ट, फॉर योर फेसबुक, फॉर योर इंस्टाग्राम, एनी कोटेशन आपको दिल कर रहा है. आप दूसरी चीज, वन मोर थिंग यू कैन डू, यहाँ से आप सिंपली अपनी वाइब के हिसाब से फॉन्ट ले लें, कोई सा भी ले लें. जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक बेसिक बोल्ड फॉन्ट लें. उसका ये होता है, बेसिक बोल्ड फॉन्ट लेने का ये होता है कि आपका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डिसेंट और थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है. सो लेट्स टेक अनदर फॉन्ट, लेकिन फॉन्ट वही लेना है जो रीडेबल हो. फॉन्ट वही होना चाहिए जो पढ़ा जाए. लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है. अब कितने लोगों को इसमें से वो पढ़ा पढ़ा जा रहा है कि मैंने क्या लिखा था, मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैंने क्या लिखा था. सो दैट्स द रीजन कि कोई भी आप फॉन्ट उठा के, कोई भी स्क्रिप्टेड फॉन्ट. अब ये भी इतना, वैसे तो उन्होंने बहुत स्क्रिप्ट वाला बहुत मजे का फॉन्ट बनाया हुआ, बट दैट्स नॉट फॉर इस तरह के यूज के लिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. मे बी दिस वन लुक्स फाइन. और इसका कलर भी हम ये कर सकते हैं. सिंपली मैं क्या करूँगी, अपने कलर्स में जाऊँगी और मेरे पास डॉक्यूमेंट के कलर्स आ गए हैं, ठीक है. फोटो के कलर्स हैं, डॉक्यूमेंट के कलर्स ये रहे. फोटो के कलर्स में से मैं जो रोड का कलर है वो ले लेती हूँ, मे बी डार्कर वन. इससे ये होगा, फॉरन से ये हुआ है कि मेरा जो रोड का जो कलर है उसने मेरे टेक्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करने लग गया है, ठीक हो गया. सेम गोज फॉर दिस अपोस्ट्रोफी, जो हमने कॉमास लिए थे उसका भी कलर जो है हम डॉक्यूमेंट के कलर्स टाइप कुछ कर देते हैं, ताकि वो चीज उस तरह से लगे कि एक ही थीम का पार्ट है, ठीक है. इसके ऊपर मैं पिंक ब्लू ग्रीन करूंगी तो वो ऑब्वियसली बहुत अजीब सा लगेगा. सो या ओके, ठीक हो गया. दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सिंपल कोटेशन डिजाइंस.